नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट प्रॉन्स करी, जो बहुत ही डिलीशियस बनती है। उसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg प्रॉन्स, 1 cup वाटर, वेल कोकोनट मिल्क पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर मैंने लिया है टमाटर, प्याज एंड कड़ी पत्ता एंड हरी मिर्च, एंड द लास्ट वन इज हरा धनिया। हम करी बनाना शुरू करते हैं। तेल लिया है, तेल में मैंने डाला है जीरा, कड़ी पत्ता एंड हरी मिर्च। उसके बाद मैंने डाला है प्याज। प्याज को अच्छे से भून लीजिए जब तक वो हल्का ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही ब्राउन हो जाता है, आप डालिए उसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने डाला है 1 tablespoon, एंड देन डालिए अपने कटे हुए टमाटर। अब इसे अच्छे से पकने दीजिए। जैसे ही आप देखेंगे कि इनका कलर चेंज हो गया है, आप डालें अपने स्पाइसेस, जो है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, एंड इसे अच्छे से चलाते रहिए। इसे मसाले को अच्छे से भूनना है, अच्छे से पकाना है। जब तक हमारे मसाले पक रहे हैं, हम कोकोनट मिल्क तैयार करते हैं। मैंने ये 3 tablespoon मिल्क पाउडर लिया है और वार्म वाटर लिया है। उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपका कोकोनट मिल्क तैयार है। अगर आप चाहें तो आप कैन कोकोनट मिल्क आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर आई प्रिफर टू यूज़ दिस, एंड दिस इज़ हाउ आई मेक इट। हमारे मसाले भुन चुके हैं, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है अब तक। अब मैंने डाला है हमारे प्रॉन्स। प्रॉन्स को अच्छे से भून लीजिए कम से कम 5-10 minutes के लिए, बिना पानी से, अच्छे से मसालों में भूनने चाहिए ये प्रॉन्स, तो ही उसका फ्लेवर आएगा। एंड जैसे ही आप देखें कि अच्छे से मसाले प्रॉन्स के साथ भून चुके हैं, मैंने बिल्कुल हल्का सा पानी लिया है, बहुत ही थोड़ा पानी लिया है मैंने। आते रहिए और इसे ढक के थोड़ी देर प्रॉन्स को पकने दीजिए। जैसे ही आप देखें कि सब एक साथ आ चुके हैं आपके मसाले एंड प्रॉन्स, देन गो इन एंड ऐड योर कोकोनट मिल्क जो हमने तैयार किया था, एंड देन इसे अच्छे से मिक्स करिए। अब इसमें आपके प्रॉन्स ऑलरेडी पके हुए हैं, आपको खाली अपना कोकोनट मिल्क पकाना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है, एंड ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत डिफरेंट है, एंड इट्स वेरी फ्लेवरफुल। प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, एंड दैट्स इट, योर यमी कोकोनट करी इज रेडी। अब उसके ऊपर डालिए धनिया, एंड इट्स रेडी टू बी सर्व्ड। मैंने इसे डोसे के साथ खाया है, आप चाहें तो रोटी या चावल के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट इट गोज़ अमेजिंग विद डोसास। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।